हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो यार, आज का जो वीडियो रहेगा वो एक खास टॉपिक पे है। नहीं, लोग कहते हैं कि यार सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर सब कुछ चेक कर लिया फिर भी ऑन नहीं है। तो आज ये वीडियो देखिए, क्योंकि विदाउट सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम के आप जैसे ही आपके पास फ़ोन आता है, आप उस सेक्शन को या इस तरह के फ़ोन आते जो ऑन नहीं हो रहे हैं उनको चेक करने का एक यूनिक तरीका है ये। ओके, यहाँ पे आपको सर्किट लेवल की जानकारी की जरूरत नहीं है। सर्किट अगर बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लम है तो सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। बात बाकी अगर आप नॉर्मली अगर चेक कर सकते हैं तो आप चेक करके भी आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले आइए कैमरा इधर और हम लोग इसको प्रॉपरली आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे मोबाइल हैं और मेरे पास मल्टीमीटर है, बजर मोड पे सेट करके रखा है और ये देखिए सही भी है, बीप की आवाज़ कर रहा है। मैं इसको क्यों यहाँ पे जो है यूज़ करता हूँ, मेरे पास भी अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर है, बट बहुत से भाई लोगों के पास में क्या ये वाला मल्टीमीटर ही होता है, उनके पास अच्छे क्वालिटी के मल्टीमीटर नहीं है। तो बट इससे भी रिपेयरिंग की जा सकती है अच्छी तरीके से। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ट्रिक नंबर वन कि आपका अगर फ़ोन इस तरीके से आता है तो उसमें आपको क्या करना है। अब करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके पास कोई बोर्ड आएगा तो इसका मतलब नहीं आपके पास सिमेट्रिक होना ज़रूरी है। सिमेट्रिक अगर नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे तो उसको हमको पता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम मोबाइल के मदरबोर्ड में सीरीज़ कंपोनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सीरीज़ कंपोनेंट, क्योंकि मदरबोर्ड में शॉर्टिंग होती नहीं फिर भी ऑन नहीं होता है। शॉर्टिंग है तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, कंपोनेंट तोड़ के फेंक देते हैं तब भी काम हो जाता है। बट सीरीज़ कंपोनेंट अगर ओपन हो जाते हैं तो वो सेक्शन काम नहीं करते हैं और हम पूरा मदरबोर्ड चेक कर डालते हैं और हमें फॉल्ट नहीं मिलता और फिर हम फ़ोन करते हैं कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कंपोनेंट चेक करेंगे, फिर उनको ओम रेंज पर चेक करेंगे कि उनकी रीडिंग एक्चुअल में है क्या। जैसे यहाँ पर अब एक तरफ से हम लोग चालू करते हैं तो यहाँ पर जो है रीडिंग्स आई। ओके, ये भी रीडिंग्स आ गई। ये भी रीडिंग आ गई और ये भी रीडिंग आ गई, यानी सीरीज पे लगा है। आगे देखते हैं रजिस्टर, इस साइड से वैल्यू आ रही है और इस साइड से भी वैल्यू आ रही है। अब अगर ये रजिस्टर जैसे हर सेक्शन में लगे होते, इतने छोटे होते हैं रजिस्टर ये, कि इनको देखना बहुत ही, जैसे ये छोटा सा हमने चेक किया ये वाला रजिस्टर, इतने छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। बट ये अगर हम इसको माइक्रोस्कोप पे दिखाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीमीटर भी हम साथ में रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जितने भी सेक्शन वन के अंदर है, पावर सेक्शन है या भी, सबसे पहले सीरीज कंपोनेंट ढूंढिए। अब सीरीज कंपोनेंट कैसे ढूंढेंगे, तो मल्टीमीटर को आप बजर मोड पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर का बजर मोड सेट करते हैं। ग्राउंड से जिस कंपोनेंट का कोई भी सिरा बीप ना करे, वो सब होते हैं सीरीज कंपोनेंट। और ये सीरीज कंपोनेंट जो होते हैं वो ओपन होने के बाद सप्लाई आगे को नहीं भेजते हैं। जब नहीं भेजते हैं तो वो उस कंडीशन पे ख़राब होते हैं। और आप क्या करते हैं, जैसे मैंने ग्राउंड से चेक किया तो यहाँ पर क्या मिल गई, हमको रीडिंग मिल गई। इस साइड से चेक किया उस साइड से भी रीडिंग मिल गई। बट अगर हम इस कंपोनेंट को अगर निकाल भी देंगे तब भी रीडिंग आएगी, क्योंकि जहाँ से इसकी सप्लाई होगी वहाँ से रीडिंग आएगी। बट अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को इसी सीरीज़ वाले कंपोनेंट को हम ओम पे सेट करेंगे, ओम पे चेक करेंगे कि वाकई में ये कंपोनेंट हमारा सही है या फिर ख़राब हो चुका है। ओके, तो चलिए अब हम ओम पे चेक करते हैं। रीडिंग्स नहीं आई। ओके, चलिए हम ओम की रेंज को बढ़ाते हैं ऐसे। फिर भी रीडिंग नहीं आई, फिर से हम बढ़ाते हैं। ओके, फिर भी नहीं आई, फिर बढ़ाते हैं, आ गई। 61 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा, यानी ये रजिस्टर सही है। इस तरीके से आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस पे वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया, अगर रीडिंग्स नहीं आ रही, वैल्यू नहीं आ रही है, यानी ये रजिस्टर ओपन हो चुका है। जबकि आप ग्राउंड से जो चेक कर रहे थे, दोनों साइड से इसकी रीडिंग आ रही है, ये इसकी जीआर वैल्यू होती है और हमें इससे मतलब नहीं होता है। ओके, और कई बार हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। ओके, तो एक अच्छा सा ट्रिक आपको समझ में आया कि जो सीरीज कंपोनेंट है उनकी आपको ओम रेंज पे चेक करना है। पहले बजर मोड पे आप क्या काम करेंगे कि
मेजर मोड पे क्या काम करेंगे, पहले आप सीरीज और पैरेलल देखेंगे, आपको सीरीज कंपोनेंट ढूंढने हैं, जो सीरीज कंपोनेंट लगे हैं उनको आप ओम रेंज पे चेक कर लीजिए, तो उनकी कैपेसिटी पता चल जाती है कि वो सही है या फिर ख़राब है, और इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम की बहुत कम नीड पड़ेगी, ना के बराबर, और आप काम को फास्ट और आसान तरीके से कर सकते हैं। और कई बार ये भी सही होता है, लेकिन एक ट्रिक और लास्ट बता देते हैं, क्रिस्टल के ख़राब होने पर प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ़ोन के अंदर जो है कंपोनेंट सीरीज वाले सही होते हैं, ये हम लोग चेक नहीं कर पाते। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, वो बस वो किसी से पूछते हैं तो बस वही सिमेटिक सिमेटिक, अरे भाई उसका माइंड इस लेवल का विकसित ही नहीं है, वो सिमेटिक जो है उसको जो है उसको चला पाए या कुछ कर पाए, तो उसको ट्रेस कर पाए ये कंपोनेंट को, तो बेसिक की टेस्टिंग थी। अगर फिर भी दिक्कत आए तो एक बार जो है क्रिस्टल को आप निकाल के लगा सकते हैं। तो ये कंडीशन आती है कि फ़ोन आपका सही होता है और आप छोटी सी गलती की वजह से फ़ोन आपको ऑन नहीं कर पाते हैं, और कहते हैं सब कुछ सही है, ऑन नहीं हो रहा है। तो फिर भी अगर इस वीडियो में कोई कमी रही हो या कुछ भी है, कुछ और आप अपने सजेशन देना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, और आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं, किस कंट्री से हैं, किस शहर से हैं, कमेंट करके हमें आप बताइएगा। ओके, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।